लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट केस कि ये हम ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह डिटरमिन करते हैं <coughs> इसके अंदर लेट फिक्स कॉस्ट इज एफ इज टेन थाउजेंड डॉलर डायरेक्ट लेबर इज इन दिस केस वी सब वन लिखा हुआ है दैट मीन्स कि देर आर टू पोर्शन और मोर देन वन पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट तो उनको हम सम करके ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन करेंगे uh, ये दो वेरिएबल कॉस्ट क्या हैं एक वी uh, वन है विच इज डायरेक्ट लेबर एंड इट इज वन पॉइंट फाइव पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वी टू इज मटीरियल कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है दैट इज पॉइंट सेवन फाइव डॉलर पर यूनिट सेलिंग प्राइस इन दिस केस इज फोर डॉलर पर यूनिट अब इस बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट अगर करें इसको तो इसके अंदर दिस इज अगेन डेटा इज गिवन और इस बेसिस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमने डॉलर टर्म के अंदर अगर कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया हुआ था कि वी यूज वन माइनस वी डिवाइड बाय पी अगर हम यूनिट्स के अंदर करें तो देन इट इज पी माइनस वी जो डिनोमिनेटर में होता है तो अगर इसका हम क्योंकि मॉनिटरी टर्म में कर रहे हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज आर टेन थाउजेंड विच इज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वन विच इज वन पॉइंट फाइव वेरिएबल कॉस्ट टू विच इज़ पॉइंट सेवन फाइव इनको हमने सम कर लिया तो आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस और इसके बेस के ऊपर जब आप सॉल्व करें तो इट कम्स टू 22,857.14 दैट मींस कि अगर इतना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट आप अचीव करेंगे अब इसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है जो प्राइस है ये आपने यूज करनी है और फिक्स कॉस्ट आपने डिटरमिन करनी है जितने भी उसका होगा अगर एनुअल बेसिस के ऊपर फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट एनुअल बेसिस के ऊपर होगा कि साल में रेवेन्यू कितना होगा तो ब्रेक इवन अचीव होगा अगर वीक के बेसिस के ऊपर आपने फिक्स कॉस्ट को किया हुआ डिटरमिन और उस पर कर रहे हैं तो फिर वीक में आपकी क्या रेवेन्यू होना चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे इसी तरह अगर हम एक्स को देखें यूनिट के बेस के ऊपर तो देन इट इज एफ डिवाइडेड बाई पी माइनस वी विच इज पी माइनस वी इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन उससे आप डिवाइड कर रहे हैं एंड यू गेट फाइव थाउजेंड हंड्रेड एंड अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आपका ब्रेक इवन आप अचीव कर लेंगे मीनिंग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन uh, इसके अंदर इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास रेवेन्यू जो है दैट इज गिवन दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट क्योंकि टेन थाउजेंड से शुरू हो रहा है फिक्स कॉस्ट टेन थाउजेंड है तो टेन थाउजेंड से शुरू होगा ये टोटल कॉस्ट और ये आपका जा रहा है दिस पोर्शन इज योर प्रॉफिट पोर्शन एंड दिस इज योर लॉस का पोर्शन एंड दिस वन इज योर ब्रेकिंग वन पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल और इसको अगर आप एक्सटेंड करें टूवर्ड्स योर नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हॉरीजोंटल लाइन है तो यू कैन से सी के इट इज़ स्लैटली लेस देन सिक्स थाउजेंड जो कि हमने उधर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था और अगर इसको हम वर्टिकल लाइन की तरफ हिट करें तो इट इज़ स्लैटली मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड जो कि हमने वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था सो दिस इज़ ग्राफिकली ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम्पल